नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मसल सोरनेस के बारे में, जिसको कि हम महसूस करते हैं कोई एक्सरसाइज करने के बाद या कोई हैवी काम अगर हम कर लेते हैं जिसका हमारा शरीर आदि नहीं होता है, इसे मसल सोरनेस कहा जाता है। और इसको अगर टेक्निकली लैंग्वेज में प्रॉपरली कहा जाए तो इसको डॉम्स कहते हैं, यानी डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। तो डिलेड क्योंकि कुछ टाइम के बाद ही महसूस होता है, तुरंत आप कोई काम करेंगे आपको तुरंत दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई हैवी वर्क कर लेते हैं, जैसे जिसका कि वजन आपके हाथों पर आ रहा है, जैसे मसल्स हैं या आपके पैर हैं, पैरों के मसल्स पे उसका बोझ आ रहा है, तो वो दर्द आपको कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद महसूस हो सकता है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे क्यों होता है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका मेन कारण ये होता है कि जिस काम के लिए हम हैबिचुअल नहीं होते हैं, अगर वो हम एकदम से कर लें या जैसे बहुत ज्यादा वजन उठाना एकदम से कर लें तो उससे दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए तो कैफीन के सेवन के बारे में बताया गया है कि अगर ऐसा कोई काम आपने करना है उससे एक घंटा पहले आप कैफीन का सेवन कर लेते हैं तो इससे आपको सहायता मिलनी चाहिए और मसल सोरनेस की प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए। और दोस्तों स्लो प्रोग्रेस के बारे में बताया गया है कि अगर ऐसा कोई एक्सरसाइज आप शुरू कर रहे हैं तो एकदम से आपने बहुत हैवी एक्सरसाइज शुरू नहीं कर देनी है। या सपोज कोई वेट लिफ्टिंग है, आप जितने केजी का वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो उसको आप जो आपका टारगेट है उससे थोड़े कम से शुरू करिए, तो उससे आपके शरीर पे एकदम से बोझ नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे शरीर उसका आदि होता जाएगा, तो आपको मसल सोरनेस की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दोस्तों फिश ऑयल का इसमें बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है, अगर आप फिश ऑयल का सेवन करते हैं तो इससे आपको मसल सोरनेस की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए या फिर कम हो जानी चाहिए या फिर अगर दिक्कत है तो खत्म हो जानी चाहिए। और दोस्तों इसमें फोम रोलिंग को बहुत इफेक्टिव बताया गया है। फोम रोलिंग अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके करीब अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 घंटे के बाद फोम रोलिंग की प्रक्रिया अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको मसल सोरनेस की और प्रॉब्लम होती है, तो उससे आपको राहत मिलनी चाहिए। और दोस्तों मसल सोरनेस ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेरी होती है। अगर आप मसल सोरनेस महसूस करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ घंटे के बाद ही ठीक हो जाए, या अगर सीवियर है तो कुछ 2-4 दिन के बाद ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप बताए गए तरीके से अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे और अपने बॉडी पे जो भी आप बोझ डाल रहे हैं उसको प्रॉपरली अगर आप करेंगे, धीरे धीरे करके उसको बोझ को बढ़ाएंगे, तो आपको मसल सोरनेस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों नींद का इसमें बहुत अच्छा रोल है, अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हैं तो आपको मसल सोरनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि जो रोजमर्रा के आप काम करते हैं उनसे भी मसल सोरनेस आपको महसूस हो सकती है। तो एक्सरसाइज की बात नहीं है, अगर आप नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ रनिंग कर रहे हैं तो उससे मसल सोरनेस हो सकती है। तो उसके लिए आपको जो है नींद पूरी लेनी है अपने, और अगर नींद आप पूरी ले रहे हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आपको मसल सोरनेस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। मसल सोरनेस बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो हम लोग कई बार अपने आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में महसूस करते हैं। तो मसल सोरनेस को लेकर के हम समझते हैं मसल्स में दर्द है, उसको लेकर के हम कई बार पेन किलर्स का सेवन करना शुरू कर देते हैं और कई लोग रेगुलर पेन किलर्स का सेवन शुरू कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए आज की इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो ये बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं और इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको काफी अच्छी लगी होगी और ये आपके काम की भी होगी। दोस्तों आप इसको अपनी लाइफ में आजमा कर जरूर देखिए, आपको इसका लाभ मिलना चाहिए, और आपको कोई फायदा होता है तो और उनके साथ भी जरूर शेयर करें ताकि और लोग इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतनी ही, और शीघ्र एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।